नमस्कार, मैं हेमलता सुतार। मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल खिचड़ी। ये बनाने के लिए अपने को ज़रूरत होगी एक कटोरी मूंग दाल, आधा कटोरी चावल, एक टेबल स्पून तेल, हल्दी पाउडर, जीरा और नमक। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और अच्छे से वॉश कर लेंगे। चावल और मूंग दाल को मैंने पानी में अच्छे से वॉश करके भिगो दिया है। इसको 10 मिनट पानी में रहने देंगे। और ये मूंग दाल खिचड़ी मरीज के लिए बहुत ही लाभकारी है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी है। और सबसे पहले कुकर चढ़ाएंगे, इसको गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद एक टेबल स्पून तेल डाल देंगे, ऑयल। इसको गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें अपन जीरा डाल देंगे एक चम्मच, इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे इसी में, और इसको पकने देंगे थोड़ी देर ताकि हल्दी अच्छे से पक जाए और कलर ले लेवे। इसमें 7 कटोरी पानी डालेंगे अपन। इसमें मैंने 7 कटोरी पानी डाल दिया है। इसको दाल को ज़्यादा पानी चाहिए, पानी खींचती है, और चावल भी पानी खींचते हैं। एक कटोरी अगर मूंग दाल ली है तो 4 कटोरी पानी इसका, और 3 कटोरी चावल के लिए डाला है मैंने। अब इसके अंदर अपन नमक डाल देंगे, 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है मैंने। इसमें उबाल आएगा तब मूंग दाल डाल देंगे। इसमें पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें अपन भीगे हुए मूंग दाल और चावल को डाल देंगे। इसमें अपन 4 सीटी ले लेंगे, तो कुकर बंद कर देंगे और 4 सीटी ले लेंगे। चार सीटी आ चुकी है, अब गैस बंद कर देंगे और इसकी स्टीम ख़त्म हो जब तक रहने देंगे। कुकर के स्टीम निकल चुकी है, अब इसको अपन खोल लेंगे और चम्मच से हिला लेंगे अपन। चम्मच ये बन के तैयार हो चुकी है एकदम। ये बीमार व्यक्ति के लिए बहुत ही गुणकारी है और सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और इसको बना कर देखें आप, एकदम से अच्छे से बन गई है। इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। ये नमकीन खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है, मैंने बर्तन में निकाल लिया है। इसमें आप अगर घी डालना चाहे तो घी डाल सकते हैं, चीनी डालना चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। आपको जैसे पसंद हो उसको जैसे खा सकते हैं, और दूध के साथ भी खा सकते हैं इसको। और पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।